हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सेकेंड ईयर और सेकेंड सेम वाले स्टूडेंट्स को अपना एडमिशन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी कोविड-19 के कारण, तो उनको कैसे अगली कक्षा में प्रवेश लेना है, कैसे उनको अपना एडमिशन फॉर्म भरना है, तो आज हम दोस्तों पूरा फॉर्म भर के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। और अगर आप दोस्तों उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन के टाइम पे, और कैसे आपको भरना है अपना एडमिशन फॉर्म, इसकी जानकारी दोस्तों मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। तो दोस्तों, इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप, वहाँ पे वो लिंक दिया हुआ है, उसको ओपन करिए और पूरा वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको एडमिशन लेना है और क्या प्रोसेस है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि सेकेंड ईयर वाले, सेकेंड सेमेस्टर वाले, या जो थर्ड ईयर में चले गए हैं, थर्ड सेमेस्टर में चले जाएँ, या किसी भी अगली क्लास में जा रहे हैं, तो उनको कैसे अपना एडमिशन फॉर्म भरना। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो भी हैं, उनको क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे, जैसा कि हम पहले से पहुंच चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइट पे जैसे ही आप पहुँचेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे लिख रहा है ऑनलाइन एडमिशन लिखा हुआ, ठीक है, तो आपको सीधे इस पर क्लिक कर देना है ऑनलाइन एडमिशन पे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह का उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एक पेज खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे आप सबसे नीचे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ऑनलाइन एडमिशन लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है क्लिक हर टू प्रोसीड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, इस पर जहाँ पे लिखा है क्लिक हर टू प्रोसीड, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम भी इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, तो आपके सामने दोस्तों एक जनरल इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ये थोड़े निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आई एग्री का एक बॉक्स है यहाँ पे लिखा हुआ, तो इस पे आपको टिक कर देना खाली, तो उसको हम टिक कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट जो पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, वो तो फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली पे क्लिक करेंगे, इसके बारे में तो पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है, नए स्टूडेंट्स के बारे में। आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं, जो पहले से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, जो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या थर्ड सेम में एडमिशन ले रहे हैं, सेकेंड सेम में एडमिशन ले रहे हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट, जो पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, तो वो करेंगे फॉर न्यू स्टूडेंट पे क्लिक। तो जो सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेम में जिनका एडमिशन होना है, तो वो किस पे क्लिक करेंगे, फॉर ऑलरेडी इनरोल इन यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, तो हम भी इस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने खुलेगा एक फॉर्म, ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए, तो फॉर्म खुलेगा, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इनरोलमेंट नंबर, जो सबके पास होगा अगर आपने एडमिशन लिया है पहले से, ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर जो है वो मेंशन कर दीजिए आप यहाँ पे, तो इनरोलमेंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा। उसी के नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी आप अपनी मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ भी हम कर देते हैं मेंशन। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, इनरोलमेंट नंबर भी और डेट ऑफ बर्थ भी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों सर्च का ऑप्शन, सर्च यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है, नीचे फॉर्म भरने मत लग जाना आप, पहले सर्च पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, तो हम पहले सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तो आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया था पहले उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे दिखा देगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, जैसे मैं एमए इकोनॉमिक्स में इन्होंने एडमिशन लिया था, ठीक है, पहला साल है इनका, मतलब इनका ईयर वाइज वाला है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों लिखा हुआ है ऐड न्यू अप्लीकेशन, ठीक है, और उसी के नीचे लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रोग्राम। तो आपको क्लिक किस पे करना है वो ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लिक करना है इस पे, ऐड न्यू अप्लीकेशन पे, ठीक है,
आपको इस पर क्लिक नहीं करना है ऐड न्यू प्रोग्राम में। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे मतलब कि आप किसी दूसरे जो आपका प्रोग्राम है उससे हट के किसी अन्य प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है इस पर ऐड न्यू एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो हम कर देते हैं ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक। तो जैसे ही आप ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी डिटेल है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपने पहले दी थी जब आपने पहली बार फॉर्म भरा होगा, तो यहाँ पे उसी के नीचे आपको मेंशन कर देगा, मतलब आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अब आपका सेशन दिखा देने लग गया जुलाई 2020 का, ठीक है। आपका रीजनल सेंटर कहाँ था, कहाँ भरा था आपने, वो भी दिखाएगा। स्टडी सेंटर कौन सा है आपका, वो भी दिखाएगा। प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया था वो दिखाएगा। ईयर दिखाएगा आपका, ठीक है। तो इन्होंने इनका जो था इन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो उनके पेपर तो हुए नहीं फर्स्ट ईयर के अभी कोविड-19 के कारण, तो यहाँ पे इनका दिखा रहा है सेकंड ईयर, यानी कि आप ये सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका भी दिखाएगा, ठीक है। जैसे आपके सेकंड सेम के पेपर नहीं हुए हैं तो यहाँ पे आपका दिखाएगा थर्ड सेम। अगर आपके फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए हैं तो जैसे इनका दिखा रहा है सेकंड ईयर, वैसे ही आपका दिखाएगा सेकंड ईयर, यानी कि आप अगली क्लास में प्रवेश ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपका दिखाएगा मीडियम, हिंदी आपका मीडियम जो है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एग्ज़ाम सिटी को यहाँ से देख लेते, तो जहाँ भी आपका एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो हमारा एग्ज़ाम सिटी जो भी है हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपका कोर्स, ठीक है, यानी कि आपके जो सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका पहले से यहाँ पे दिखा रहा है कि सेकेंड ईयर में आपके कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको सब दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सीधे आगे बढ़ जाना है आपको, ठीक है। आगे आपका नेम भी आपको दिखा रहा है, हिंदी में आपका दिखा रहा है नेम, फादर्स नेम भी दिखा रहा है, मदर्स नेम भी दिखा रहा है, ठीक है। तो जो जो डिटेल आपने पहले भरी थी वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। जो जो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है केवल वो आपको मेंशन करनी है। तो आपका जेंडर दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल भी दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, और उसी के सामने आप देख रहे हैं ईमेल आईडी, ठीक है, जो आपने पहले फॉर्म भरते समय डाली होगी, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब दोस्तों ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट जरा प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप इसी के नीचे मोबाइल नंबर के नीचे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ठीक है। उस OTP को फिर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, ठीक है, तो ये आपके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे OTP भेज देगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे मांग रहा है OTP, तो ये आपको OTP यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। वैसे ही आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, ईमेल आईडी के नीचे भी लिखा हुआ है चेक अवेलेबिलिटी, तो इस पर भी आपको क्लिक करना है, तो आपकी ईमेल आईडी पर भी एक OTP सेंड होगा, वो OTP फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे भी मैंने भेज दिया है, देखिए दोनों में मांग रहा है OTP, ठीक है, इस पर भी OTP मांग रहा है और इस पर भी OTP मांग रहा है। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले OTP को जो मेंशन कर लेते हैं, जो हमारे मोबाइल नंबर पर आया है, जो हमारे ईमेल आईडी पर आया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोबाइल नंबर पे वो ईमेल आईडी पे कौन सा OTP आया। तो देखिए दोस्तों मेरे सामने खुल रहा है यहाँ पे ईमेल आईडी वाला, ठीक है। तो ईमेल आईडी पे देखिए यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आ गया है मेरे यहाँ पे। तो इस वेरिफिकेशन कोड को अब आपको कहाँ पे मेंशन करना है दोस्तों, अब इसको आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ठीक है। जो ये आपका वेरिफिकेशन कोड आया है उस कोड को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कोड है, तो जैसा वो कोड उसमें है तो वैसे ही आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये कोड हमने मेंशन कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर OTP पे क्लिक कर देंगे सीधे, ठीक है। तो आपका दिख रहा है, आप देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपका दिख रहा है वेरीफाइड लिखा हुआ, ठीक है। तो वेरीफाइड हो गया है सर, जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। तो आपको OTP यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है। ऐसे ही मोबाइल नंबर का भी कर लेते हैं, जो मोबाइल नंबर पे हमारे OTP आया है उसको भी यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। आप देखिए दोस्तों दोनों तरफ वेरीफाइड लिखा हो रहा है, यहाँ भी वेरीफाइड लिखा रहा है और यहाँ पे भी वेरीफाइड लिखा हो रहा है, यानी कि जो OTP आपने उस पे मेंशन कर दिया
तो दोनों पे आपका वेरीफाई लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे दिखा रहा है, मेंशन कर रखा है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे है नेशनलिटी आपका दिखा रहा है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि जो आपके कागज़ हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस स्टेट के हैं, तो यहाँ से आप स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से जो स्टेट है हमारा वो है उत्तराखंड, तो हमने उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसी के आगे आपका जो कास्ट है कैटेगरी का ऑप्शन जो है वहाँ पे दिखा रहा है कैटेगरी आपने जो मेंशन करी थी, हैंडीकैप अगर आप हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर यहीं पे आपका दिखा रहा है रीजन यानी कि आप किस रीजन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रूरल अर्बन और सेमी अर्बन यानी आप ग्रामीण हैं शहरी हैं या आधे ग्रामीण हैं आधे शहरी हैं, ठीक है। तो जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स जिस भी जगह के हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कम्युनिटी, तो आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आप, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आपका दे रखा है उसके बाद ही इकोनॉमिक्स क्लास, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्लास पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो किस इकोनॉमी के अंतर्गत आप आते हैं तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका है लाइवहुड स्टेटस, ठीक है। लाइवहुड स्टेटस में एम्प्लॉय हैं आप या अनएम्प्लॉयड हैं या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं, तो जो भी आप हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए उसको, ठीक हो गया। फिर आपका वैवाहिक स्थिति या मैरिज है अनमैरिड है यहाँ पे दिखा रहा है, तो जो भी आप हैं वो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका दिखा रहा है यहाँ पे इनरोल इन LSC क्रिएटेड इन पैशन, तो इसको नो ही रहने दीजिए आप, इसको आप कुछ मत करिएगा, ठीक है, इसको नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एड्रेस नीचे, ठीक है। तो जो भी एड्रेस आपने पहले डाला हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर लगता है आपको कि एड्रेस नहीं है चेंज करना है आपको तो चेंज भी कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे पहले का हमारा सही है। फिर आपका दिखाएगा जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपने पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करे थे जैसे 10th क्लास के 12th क्लास के BA के, तो यहाँ पे वो सारा दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जैसे आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का भी वहाँ पे मेंशन करना होता है, तो अगर आपके पास है तो उसको मेंशन करिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है जिसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसको नहीं फील करना है कुछ भी। फिर आपके पास यहाँ पे दिख रहा है पनिशड बाय कोर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि आप किसी आपका केस चल रहा है कहीं पे पब्लिक में या आप पे कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जहाँ पढ़ाई करते हैं आप नकल करते हुए पकड़े या किसी भी चीज में अगर हैं तो यस करिए तो नो करिए। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे प्लेस लिख देना है, ठीक है, यानी कि आप जिस भी प्लेस में रहते हैं जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, तो प्लेस का नाम हम लिख लेते हैं तो प्लेस हमने लिख लिया और उसी के सामने आपको दिख रही है डेट, ठीक है। तो जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो डेट भी हम मेंशन कर देते हैं आज की, तो कैलेंडर पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा और आज की जो डेट है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो 2020 ही है वैसे, डन कर दीजिए, 7वां ही महीना है और इसको भी डन कर दीजिए और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये देखिए आज की डेट यहाँ पे शो होने लगी है, ठीक हो गया। उसके बाद आप नीचे लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये तो आपने दोस्तों जब आपने पहली बार एडमिशन लिया होगा तब आपने ये डाउनलोड कर ले करके अपलोड कर दिया होगा डिक्लेरेशन फॉर्म, तो अब इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जैसे कि फाइल चूज में आपको यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये फॉर्म आपने पहले से अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो भी दिख रहा होगा जो पहले आपने अपलोड करा था फॉर्म भरते समय, और आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी फ़ीस यहाँ पे पूरी शो हो रही कि आपको सेकेंड ईयर में कितनी फ़ीस जमा करनी है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में है या थर्ड ईयर में है तो आपकी फ़ीस यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम फ़ीस यहाँ पे दिखा रहा है कितनी है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो 750 रुपये है। फिर उसके बाद अगर आप जब डिग्री निकालेंगे तो उसकी फ़ीस है 300 रुपये। तो टोटल आपका जो बनता है वो बन रहा है यहाँ पे
4050 रुपये, ठीक है। तो फिर आपको नीचे दिख रहा होगा वेरीफाई इट, ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई इट पे यहाँ पे आपको ये बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। तो हम बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अपना फॉर्म चेक कर लीजिए आप कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है, ठीक है, कहीं पे जो कुछ छूटा तो है नहीं। वैसे पहले से तो भरा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपको भरनी थी, ठीक है, अगर आपने नहीं भरी है तो उसको भर लीजिएगा। तो यहाँ पे सब कुछ हमने भर लिया है। तो उसके बाद सीधे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है इस पर भी आपको टिक कर लेना है, इस पर भी हम टिक कर लेते हैं। उसके बाद आप डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डन एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हम कर देते हैं क्लिक। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट का ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी पहली सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, नाम, फादर नाम, मदर नेम, ईमेल आईडी, सब कुछ, फीस कितनी है आपकी, टोटल 4050 रुपये। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेक पेमेंट, फिर आपको क्या कर देना है, सीधे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट का ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो आप जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो माध्यम आप यहाँ पे चुन सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी ऐप से, ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ पे करना है डेबिट कार्ड से, ठीक है, तो हम चुनते हैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन। तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनने के बाद यहाँ पे आपका आपसे मांगेगा आपकी जो कार्ड की डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कार्ड नंबर है अपना वो डालना पड़ेगा, फिर उसकी एक्सपायरी डेट, फिर CCV, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो आपकी जो फीस है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा। फिर उसके बाद आप उसका निकाल लीजिए प्रिंट, या उसको PDF में सेव कर लीजिए, कैसे भी आप कर लीजिए। अगर उसको यूनिवर्सिटी मांगती है तो आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं, नहीं तो अपने पास उसको रखे रहिएगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप था इसका फीस जमा करने का। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, फीस जमा हो गई आपकी, बस आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा, ठीक है। फिर आप जैसी फीस जमा करेंगे आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने सीधे ही, और उसको निकाल लीजिए प्रिंट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से भरना है जो सेकेंड ईयर वाले हैं या सेकेंड सेमेस्टर हैं या जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं COVID-19 के कारण, उन स्टूडेंट को इस तरह से अपना पूरा फॉर्म भरना है। उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका पूरा समाधान आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, ये वीडियो आपके काम आया है, इसने आपकी काफ़ी मदद करी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करेगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।